नहीं इस्लाम इस ट्रूथ को लेते हैं इस्लाम इस ट्रूथ हाँ जी इस्लाम इस ट्रूथ हेलो जी भाई आवाज आ रही है मेरी जी जी बोले भाई मैं गालिब के पास बार भी बहुत से चैनल पे गया हूँ बहुत बार गया हूँ लेकिन आपके चैनल पे एक दफा भी नहीं गया हुआ आप इतनी देर से बैठे हैं मैं चार घंटे

अच्छा तो अब अच्छा अब वो आपको उस कपति योगा एक वायत है उसके अंदर इमाम अबू हनीफा की वो एक मुलिज से मुनाजरा होने लगा था तो ओ, वो लेट पहुंचे तो वो, उसने पूछा आप लेट क्यों आए हैं वो लकड़ी वाला हाँ वही आप वो आ, आ, ब, ब, हाँ वो, बताने वो लकड़ी लो, से आप कुछ बता दें लगो हाँ पूरा पूरा सुना दें वाकया तो वो आए तो तो एक पुलिस से डिबेट बेटी वक्त पर जब वो पहुंचे तो नहीं पहुंचे लेट पहुंचे तो उसने कहा आप लेट क्यों पहुंचे तो उसने कहा मैं उन्होंने कहा मैं दरिया के जा रहा था तो वो अपने आप दरख्त कटे और वो अपने फिटे जुड़ गए और वो बन गई उसकी कश्ती मैं उसके अंदर बैठ के आ हाँ। तो मैं उधर से आ गया उसने कहा इस तरह हो ही नहीं सकता उसने कहा सारी कायनात किस तरह इस तरह सब कुछ बन सकता है तो इसके बारे में आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं वो पहली बात ये है कि जाहिर बात है कोई दावा ही नहीं हमारा तो ये दावा ही नहीं है जब कोई जब हम इस्लाम को पकड़ते हैं हम तो यही पकड़ते हैं ना जो इस्लाम के अंदर जो दावे हैं हम तो कम से कम जो दावा है उसको तो सही तरीके से समझ लो कोई भी नहीं कहता कि मसनू चीजें खुद बखुद बन जाती है मसनू चीजें किसी पर्पज के लिए बनाई जाती हैं और कुदरती चीजें जो है वो परपज सर्व करती हैं फॉर दैट मोमेंट अब जो फॉर एग्जाम्पल जो भी पिछले भाई के साथ भी जो बात हो रही थी कि जो चीज एक लाइफ अगर स्टार्ट हुई है जो कि एक मुहिम है अब वो लाइफ में दो हाथ क्यों तीन क्यों नहीं है सारे जो जानदार हैं उनकी पांच ही उंगलियां क्यों इवन परिंदे की भी एक आ, एक सॉरी जो पार होता है उसकी भी ये एक्सटेंडेड होती है आ, एक उंगली तो पांच ही क्यों है सात क्यों नहीं है ऋतिक रोशन की वैसे छह है वो कि म्यूटेशन है तो ये भी एक म्यूटेशन होती है तो अब चूंकि उसका कुछ पर्पज नहीं है इसलिए वो आगे से छह उंगलियों वाले नहीं चल रहे लोग पांच ही उंगलियां चलेंगी हमेशा तो हमारा तो ये दावा ही नहीं है कि चीजें खुद बगैर किसी वजह के से वो मैंने इसकी दी थी, थी कि कप है इसको हम ऐसे करेंगे पानी के साथ मिक्स करेंगे तो बीच में हाथ ही नहीं गला है <laughs> हमारा तो ये दावा ही नहीं है और मजे की बात यह है ये दावा जो ये कर रहे हैं यही दावा बड़े आराम से गॉड के ऊपर फिट किया जा सकता है क्योंकि कभी कुछ भी नहीं था या हमेशा से कुछ था लेकिन जब भी कुछ था वो खुदा हमेशा से आ गया कहां से आ गया मैं नहीं पता बस आ गया बस आ गया बस वो लकड़ी बनी खुद, खुद। तो उसी तरह तो कुछ है क्या लेकिन है तो तो ये दावा ही नहीं है कि चीजें खुद बखुद चीजें प्रोसेस सर्व करती है जैसे मैंने आपको बताया पांच उंगलियां सारे जानदारों में जितने भी बैक बैकबोन वाले जानवर है उन सारों की पांच उंगलियां बहुत कुछ स्पाइडर्स की इंसेक्ट्स में है ज्यादा आंखें लेकिन मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी दो आंखें हैं क्यों ना उस सारा एक है मजे की बात ये नहीं कि दो आंखें बना के बन छोड़ दी जो प्रे एनिमल्स जो है जैसे हिरन है उनकी घोड़े की आपने देखी उनकी आंखें साइड पे होती है क्यों होती है साइड पे वो परपज सर्व करती है उसको ज्यादा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू देती है अब हम तो पेरिफ्रल विजन से मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा कैमरे से आ रहा है वैसे नहीं आ रहा लेकिन घोड़े को ये नजर आ रहा होगा पे क्या हो रहा? हिरन को आ रहा लेकिन हम नेचुरली प्रेडिटर हैं ये बहुत बड़ी फर्क है जो प्रेडिटर होता है उसको बलर विजन सामने होती है क्योंकि उसने फोकस करना होता है उसने डेप्थ परसेप्शन लेनी होती है कि कितना दूर है फासला कितना है तो ये इसका सर्व होता इसीलिए वो जानदार जो प्रेडिटर थे उनकी आंखें सामने ही रहती थी। जो प्रे, प्रे हैं उनकी आंखें मूव होती गई साइड साइड पर तो ये एवोल्यूशन और ये ऐसा आहिता होता तो किसी ने नहीं कहा कि एक दिन बंदा उठा दो जी उसकी आंखें यहाँ पे सामने निकला इतना बड़ा दिमाग आया बाजू तो इसीलिए एवोल्यूशन को जो हमारे पहले भी एक भाई आए थे जो डिबेट कासिम में रखल उनका नाम था एवोल्यूशन पे जब हम बात कर रहे थे हम यही बात कर रहे थे कि अब मुसलमान स्कॉलर्स एवोल्यूशन को मानने लग गए हैं जो मुफ्ती उत्मान फारूक सारी जिंदगी वो रेवोल्यूशन के खिलाफ बातें करते रहे जब उनकी मेरे से डिबेट हुई तो एवोलूशन को मान गए अब वो कहते हैं नहीं जी वो डार्विनियन एवोल्यूशन को नहीं मानते अल्लाह ने किया अच्छा बताए कुरान में कहा लिखा है अल्लाह में अब ये इमाम अबू हनीफा या इमाम मालिक की कहानी जो है ये तो गलत साबित होगी क्योंकि आजकल के स्कॉलर्स मान रहे हैं एवोलूशन होती है क्योंकि उसका सबूत ही इतना ज्यादा है वो उस वक्त उनको नहीं पता था बेचारों को कि एवोल्यूशन में कोई बीमारी है वो समझ जैसे इंसान बनाए वैसे ही है जैसे शेर बनाए वैसे ही अल्लाह ने शेर बनाया तो ये हमारा दावा ही नहीं था उसका उनका उनका दावा तो खुद गलत हो गया हर वो आलिम उसको गलत कह रहा है कहेगा नहीं अपने मुंह से लेकिन कह ही रहा है से जो एवोल्यूशन को मानता मतलब आप कह रहे हैं कि हमारा तो मुद्दा ही नहीं है मतलब या आप कह रहे हैं कि चीजें खुद ब खुद मतलब बन सकती हैं कोई नहीं है ये कहता हर चीज इंक्रीमेंटल होती है आहिस्ता 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 होती है अभी कप जो आई है ये आहिस्ता आहिस्ता मैं बार बार हाथ मारता रहू मुक्का मारता ये थोड़ा 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 एज पे जाता जा रहा है एज पे जाता जा रहा है और फिर एकदम धड़ाम करके गिर जाएगा तो ये ये प्रोसेस है इंक्रीमेंटल प्रोसेस है जो थोड़ी-थोड़ी रिफाइनमेंट -थोड़ी होती है थोड़ी-थोड़ी रिफाइनमेंट -थोड़ी होती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये ये मैं कह रहा हूं क्या दो ए, एक आयत के बारे में बात करनी थी वैसे तो आपने बहुत उसके बारे में जितनी साइंटिफिक कुरान के अंदर आयतें हैं उसके बारे में आपने बहुत अपनी किताब में भी लिखा हुआ लेकिन शायद आपने इसके बारे में नहीं लिखा हुआ तो वो पेनसेप्ट के बारे में

हम आग में झोंकेंगे वाह यानी आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके ऊपर ना टॉर्चर करूंगा और जब इनके बदन की खाल गल जाएगी तो इसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे आये ओ ताकि मजीद अजियत दी जाए ताकि वो खुद ताकि वो खूब अजाब का मजा चखे मेरा ख्याल मैंने इसका आयत में जिक्र किया अपना अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की खूब जानता है है ये 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 साफ पता चलता अम, ये, ये डराने का गेम है जिस तरह बच्चे को डराते हुए बेटा तुमने तो ये काम नहीं किया मैं कमरे में बंद कर दूंगा लाठी मारूंगा ये करूंगा ये वही काम लग रहा है लोगों को डराने के लिए यही वो खौफ है बड़े लोगों का नहीं जाता जब वो इस्लाम से उनका ईमान उठ भी जाता था वो इससे नहीं निकल पाते मजे की बात है क्रिश्चियनिटी भी यही धमकियां देती है कि हम सारी उम्र आपको जरन में साड़ेंगे आग में जलाएंगे तो उनके भी लोग बेचारे जन की आग से नहीं डर पाते तो मैं उनको ये कहता हूं कि या तो आप इनकी आग में जलेंगे या उनकी आग में या हो सकता है किसी और के नरक में जले आप तो ये तो सिर्फ एक इसकी ये इतनी ईवल आयता इतनी ईवल और इतनी बदी से भरी हुई आयता ये कि एक डिक्टेटर भी हो ना वो आपको एक दफा मार देगा तालिबान आपके सर पे गोली मार देंगे किम जोंग उन या जो भी आपको मार देंगे फांसी से लटका देंगे मार देंगे एक दफा लेकिन ऐसा नहीं कर वो शायद कर नहीं सकते ऐसा व्लैड द इम्पेलर जो था वो रोमेनिया का जो प्रिंस ऑफ वलाकिया था जिससे मुतासर होकर उन्होंने काउंट ऑफ ड्रैक्यूला लिखी गई थी कहानी बनाई गई थी तो वो इतना संगदिल आदमी था कि वो पीछे से स्पाइक डालता था लोगों को और उस बड़े आराम से वो ट्रेंड हो गए थे उसके लोग आ, आ, वो सारे इंटरनल ऑर्गन को मिस करती करती ना यहां तक आ जाती थी ऊपर तक और और उसको लगा देते थे जमीन में गाड़ देते थे स्पाइक को ऐसे एंगल में तो ऊपर से यहाँ ये यह, ये यह स्पाइक उस बंदे के अंदर से गई हुई है और उसका मुंह यहां तक है तो वो वेट के साथ आहिस्ता 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 तीन तीन चार चार दिन उन्हें लग जाते थे मरते मरते तो ये और वो भी चार दिन पांच दिन बाद मर जाते थे तो उसको अजियत देने का इतना शौक था वो बैठ के वहां पे खाना खाया करता था सामने उनसे पहाड़ियां लगाई होती थी लोगों की स्पाइक्स के उपर, नेजे के ऊपर ऊपर नेजे तो वो भी लेकिन वो भी भी लेकिन उसको दोबारा पैदा करके दोबारा वो नहीं करता था वो तो आप कह सकते हो कि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी लेकिन अगर होती तो आपने उसको बुराई कहना था ना हम उसको तीन दिन किसी को तड़पा के मारेंगे आप उसको भी बुराई कहेंगे ना तो ये ऐसा खुदा है सिर्फ इस बात पे कि भाई आपकी सॉरी मैं 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 आपको मैं मैं अपने मुद्दा इसके ऊपर मैं रखता हूं पहले आपसे कर लेंगे भी बात किस खुदा हो सकता है एक तो आपने जबान ऐसी लिखी जिसकी मुझे समझ नहीं है मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ तो तर्जुमे में तो मुझे भोंडी भोंगियां ही लग रही है तो मैं इसको सॉरी मैं नहीं मानता अच्छा तुम्हारी ये मजाल सारी उम्र तुम्हारी खाल उगेगी फिर डालूंगा फिर जलाऊंगा इस आयत में सिर्फ एक ही चीज रह गई है सिर्फ एक चीज हैंड में रह गई है कहने वाली वो ये ता जब ये कहता ना ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें फिर आगे इसको ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह बड़ी बरकत वाला उसको आगे ये कहना चाहिए वो जो इविल मूवीज में यहां नहीं होता उनमें हा 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 मुझे इविल लाफ होती है वो होनी चाहिए इससे बड़ी इविल ये मैंने इसका जिक्र किया अपने इससे इविल और कोई कोई बात हो ही नहीं सकती इस, इसको कहते हैं साइक, साइकोपाथ ये साइकोपाथिक जानवर है कोई जो आपको इतनी अजियत देगा सिर्फ इतनी सी बात है और मजे की बात क्या और हदीस में क्या लिखा हुआ दूसरी जगह पे क्या लिखा हुआ यानी अगर मुझे सिर्फ कलमा पढ़ लो मरते वक्त चाहे तुमने चोरी की हो जना किया हो जो मर्जी रेप वगैरह की हो कोई बात नहीं अगर तुमने कम कल, कलमा पढ़ लिया तो तुम जन्नत में चले जाओगे इसी तरह आखिरत में तुम्हारी सैकड़ों बुरे अमाल होंगे हजारों बुरे अमाल होंगे लेकिन अगर तुमने ला ला कह दिया, वो तुम्हें भारी आ जाएगा किस पे लिखा हुआ ने हमारी आयतों से कुफर किया है वो उनको हम आग में डालेंगे जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनकी खालें बदल लेंगे मुद्दा वो ये है कि ताकि वो अजाब चुकते तो ये कि कहते हैं यहाँ पे जो बात होती है जो अगर आपको पता हो पहले पुराने जमाने में लोग समझते थे कि ब्रेन ही है जो ये सिर्फ पेन को महसूस करने के लिए होता है लेकिन अब पता लग गया कि जिस स्किन के अंदर एक रिसेप्टर्स होते हैं तीन सब्जी जो उसको तो, तो देख मैसेज तो ब्रेन ही पे नहीं मैसेज तो ब्रेन ही इंटरप्रेट करता ना लेकिन अगर रिसेप्टर्स खत्म हो जाए फिर नहीं तो नहीं तो वो एक बीमारी है लोगों को तकलीफ नहीं होती तो लेकिन ये तो सबको पता है ना कि खाल उ, 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 उगाएंगे हम दोबारा तो उसको दोबारा तकलीफ होगी पेन रिसेप्टर वगैरह ये तो उनको इसमें कहा तो कॉमन नॉलेज है नहीं 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 एक से, एक सेकंड सेकंड बीमारी वो बीमारी वो है ना लेकिन ज्यादातर लोगों को तो बीमारी नहीं ना होती इसलिए उसका जिक्र नहीं होगा ना मैं अगर ये कहूँ आपको कि मैं तुम्हारे तुम्हारा हाथ काट के दोबारा उगा दूंगा हाथ ताकि तुम्हें खूब मजा आए तुम तकलीफ में रहो तो इसका ये तो मुझे पता है कि हाथ काटोगे तो तकलीफ होगी किसी की खाल गलेगी दोबारा होगा होगाओगे फिर गलेगी तो उसमें उसे तकलीफ होगी इसमें ये कैसे पता चलता है कि अल्लाह अल्लाहिया को पेन रिसेप्टर का ये इस किताब लिखने वाले को पेन रिसेप्टर का पता था अच्छा आपको क्या मतलब यहाँ पे क्या लिखा होता तो आपने मान रहा था पेन रिसेप्टर लिखा होना चाहिए था कि तुम्हारी खाल के अंदर पेन रिसेप्टर है या कोई ऐसा मामला जो आपके दिमाग में सिग्नल भेजता है। अच्छा और हालांकि वो भी इवन दैट वुड नॉट हैव बीन वेरी स्पेशल मैं आपको बताऊं मेरी हड्डी टूट जाए मेरी स्किन को ना कुछ करना मुझे तकलीफ होगी इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है लोगों को नहीं पता था कि खाल जलेगी तो तकलीफ होगी उन्हें अच्छा। ये मैं कहता हूं आप लोगों को आप लोगों का इतना बेचारों का माठा मजहब है कि ऐसी ऐसी छलांगे मारने की जरूरत पड़ती है मुझे यह बताएं क्या कुरान से पहले लोगों को नहीं पता था कि खाल जलने पे तकलीफ होगी कि मैं आपको मैं कुरान मैं आप पढ़ने के बाद पता चला कि खाल अगर आपकी खाल जलेगी तो बच्चे को भी पता है खाल जलेगी तो वो हाथ पीछे कर लेगा नहीं नहीं। आप मैं आप तो इसका भी पॉइंट कर सकता करूं। पहले आपने कहा कि मैंने तब माना था जब बेली खाल तक स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर होते हैं

ओ नहीं तो मैं, मैं जवाब दो ना खाल जलेगी इससे तकलीफ होगी दोबारा ये, ये नहीं पता था खाल जलने से तकलीफ होती है क्या इंस्ट्रक्शन ले रहे हो यार आप हेलो हाँ हाँ बोलो क्या किसी को नहीं पता था कि खाल जलने से तकलीफ होती है पहले मुझे ये बताया खाल जलने से तकलीफ होती है ये ओ, ओ, जल। तो यही मतलब है ना मैं आपका हाथ काट दूंगा ताकि फिर दोबारा उगाऊंगा ताकि तुम्हें ज्यादा ताकि तुम्हें फिर तकलीफ हो तो इससे मैं ये तो नहीं मुझे पता है हाथ कटने से तकलीफ होनी है मीन हो से तो अंडरस्टूड बात है जो बात कॉमन नॉलेज में होती है ना उसके ऊपर कमेंट करना उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती अनलेस यू एड अनलेस यू गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जिसने डिस्कवर किया होगा ना आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं है हर जगह पे

चलो फिर दोबारा आना फिर इसी तरह के कुम्हसे का टॉपिक ला के थैंक यू सीरियस स्टार कह रहे हैं मे बी द गॉड इज टेस्टिंग ट्रू गुडनेस मे बी गुड पर्सन इज समवन हु विल बी गुड इवन आफ्टर लिसनिंग टू बैड वर्सेस मे बी मे बी हां मार के कुछ भी किया जा सकता है वेरी गुड ये भी कहा जा सकता है मैं चेक कर रहा है कि मैंने जान के ना गंदी आदतें लोगों को भेजी है देखता हूं कितने बेवकूफ इसको मानते हैं जो इनको मान जाएंगे वो में जाएंगे क्योंकि उन लोगों ने अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया है <laughs> कैसी लॉजिक अच्छा <laughs> मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूँ